प्रदेश में घटित होने वाली आपदाओं से निपटने हेतु इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम आदर्श सिस्टम के रूप में लागू किया गया है। इसी कड़ी में गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आज इस कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके दायित्व के बारे में बताया गया, जिससे तत्कालिक रूप से कार्य प्रारंभ कर प्रभावित समुदाय को सुरक्षित किया जा सके। साथ ही ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत योजना निर्माण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। पूरे आईआरएस सिस्टम को हम लोगों ने सामने बिछा दिया है। तात्पर्य यह है कि जिसका जो दायित्व है वो अपने दायित्व पर बैठा हुआ है और उसको ये बताया जा रहा है कि जब कभी आपदा आती है या आएगी तो उसको कहीं से डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपदा आते ही उसको अपने दायित्व मालूम रहेगा और तुरंत उस पर वो कार्रवाई प्रारंभ कर देगा। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, जब भी कोई आपदा आती है, तो उस आपदा में जो सबसे बड़ी जो प्रणाली काम करती है उस प्रणाली को आईआरएस सिस्टम का नाम दिया गया है, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। कि किस तरह से डिफरेंट एजेंसियां कोऑर्डिनेटेड वे में रिस्पांस करें, किसकी क्या जिम्मेदारी है, उनको प्रॉपर तरीके से करें ताकि जान और माल का जो नुकसान है वो कम से कम हो और लोगों के जीवन को सुरक्षित रहे, उसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। और सभी को डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के जो आईआरएस सिस्टम है, आईआरएस पैटर्न है, उसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी ऑफिसर्स को बुलाया गया है, जिनकी जो जिम्मेदारी है, जिस सेक्शन और जिस पद पर उनको जिम्मेदारी दी गई है उनको समझाया जा रहा है।